नमस्कार दोस्तों, कैपेसिटी में आप सभी स्वागत करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अमलगाम स्टील प्लांट द्वारा यहाँ पे भर्ती निकल के आ चुके, जो ये भर्ती निकला गया वो भी परमानेंट भर्ती निकला गया। ठीक है, यहाँ पे आईटी डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए ऑन रोल जॉब है, ऑन रोल परमानेंट जॉब है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट अमलगाम प्लांट में जॉब करना चाहते हैं, आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप इस कंपनी में कैसे ऑनलाइन अप्लाई करके और जॉब पा सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि मैं अप्लाई कर दूंगा मेरा जॉब लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। पहले आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, तभी जाकर आपको इसमें जॉब मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई तो हज़ारों बंदे करेंगे, लेकिन हज़ारों बंदों को तो इसमें जॉब नहीं मिलने वाला, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो पूरा वीडियो को देखेंगे, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे, उन्हीं को जॉब मिलने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस कंपनी में जॉब मिल सकता है। वो भी जो ये कंपनी है दोस्तों, वो जमशेदपुर में है। तब लोग जॉब लोकेशन भी जमशेदपुर में रहने वाला है। ये जमशेदपुर कहाँ आता है अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये झारखंड स्टेट में पड़ता है, जहाँ पर टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी कंपनी है वहीं पर दोस्तों है। वहाँ पर टाटा स्टील भी है, ठीक है, उसी जगह पर दोस्तों जो अमलगाम स्टील प्लांट भी है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी 8 घंटे 26 दिन चलने वाला है। 8 घंटे 26 दिन ड्यूटी करके आप इस कंपनी में 25,500 रुपये पर मंथ सैलरी कमा सकते हैं। यहाँ पे सभी राज्य के लिए भर्ती निकाला गया है। आप इंडिया किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी जिले में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आप अगर इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करके और जॉब कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों पे शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई रिश्तेदार में है तो उनके पास भी वीडियो भेज दीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिएगा, आपका कोई ग्रुप वगैरह है तो ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आईटी एंड डिप्लोमा पास करके बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, अगर अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं, वो भी परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो फिलहाल उनको इस कंपनी में परमानेंट जॉब मिल सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। साथ ही साथ आप लोग अभी तक KPSIT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए इस कंपनी के अलावा और भी बहुत सारी कंपनी में भर्ती है। ठीक है, मेरे साथ 40 से भी ज्यादा कंपनी काम कर रही है जिसमें मैं आपको जॉब दिला सकता हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि KPSIT चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, किसी नहीं तो किसी कंपनी में आपको जॉब मिल ही जाएगा, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूं, फिलहाल मैं दोस्तों परमानेंट जॉब की बात हो रही है तो परमानेंट जॉब की और भी मैं आपको बताने वाला हूं 3-4 कंपनी का नाम जिसमें परमानेंट भर्ती चल रही है, और उन कंपनियों में खुद डायरेक्ट भर्ती कराता हूँ और परमानेंट जॉब दिलाता हूँ। आप में से कोई अगर IT डिप्लोमा पास है, अगर उस सब कंपनी में करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो में पूरा बने रहना होगा, तभी जाके मैं दोस्तों उस कंपनी का नाम बताऊंगा। और उन जो कंपनी का नाम बताऊंगा उनका ऑलरेडी वीडियो भी बना हुआ है, तो जाकर आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा। जो कंपनी का नाम बताऊंगा, वीडियो देखेंगे तो वीडियो में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जिनको करना होगा मुझे व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, तो जाकर चेक कर लीजिएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर और नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों परमानेंट जॉब का अलावा दोस्तों आप अगर ऐसे जॉब करना चाहते हैं कि 1 साल के लिए, 7 महीने के लिए, 2 साल के लिए, तो ऐसे भी जॉब अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, जैसे कि 2-4 कंपनी का नाम बता रहा हूँ जिसमें फिलहाल भर्ती चल रही है, अगर 7 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए जॉब करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहला कंपनी का नाम बता रहा हूँ, मारुति सुजुकी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो गुड़गांव में एक प्लांट है, मानेसर में एक प्लांट है, और एक प्लांट दोस्तों जो सोनीपत में न्यू ओपन हुआ है, जो खरगोदा प्लांट के नाम से है। तो तीनों प्लांट में अभी भर्ती है। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी का ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, मेरे चैनल पर जाकर एक बार विजिट कीजिए और मारुति के जितने भी वीडियो बना हुआ है जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक दो कम जो है वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर भी प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए जो खरगोदा में जो न्यू प्लांट खोला गया है उसमें परमानेंट भर्ती है, तो डिप्लोमा वाले कोई अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा और चार्ज दे के आप दोस्तों उस कंपनी में परमानेंट जॉब पा सकते हैं, जो न्यू प्लांट ओपन हुआ उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, IT वाले जो भी है आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपका बिल्कुल फ्री में जॉब मिल जाएगा, चाहे आप CW के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे TW के लिए करना चाहते हैं, चाहे अप्रेंटिसशिप के लिए करना चाहते हैं, चाहे FT के लिए करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए करना चाहते हैं आप लोग के लिए लिंक ओपन है, जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक दो वीडियो देखेंगे तो उनके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों होंडा कार कंपनी में भर्ती चल रही है, होंडा कार कंपनी का भी वीडियो बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। उसमें 2 साल के लिए आपको लिया जाएगा, अगर करना होगा तो अप्लाई कर दीजिएगा, या जो प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है प्लेसमेंट में चले जाएंगे, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अगर मेरे थोड़ा का जाना चाहते हैं होंडा कार कंपनी में, तो मैं भी दोस्तों आपको 2 साल के लिए करा दूंगा, जो आपको 24,500 रुपये सैलरी मिलेंगे, सप्ताह में आपको 5 दिन ही काम करना पड़ेगा।
ठीक है। ओटी चलती है 149 रुपये घंटा होंडा कार कंपनी में, ठीक है। तो ओटी वगैरह करेंगे तो आपको 35 से 40 हज़ार हर महीने आपका सैलरी आ जाएगा होंडा कार कंपनी में। जिनको करना होगा होंडा कार कंपनी में, पहले वीडियो जाकर देखिए, समझिए, फिर जाकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं आपसे चार्ज लूँगा तभी होंडा कार कंपनी में भर्ती कराऊँगा। जो भी मैं चार्ज लेता हूँ, जिस कंपनी के बारे में लेता हूँ, वो सारा कुछ मैं वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ भी डाउट ना रहे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जाकर मैसेज करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं ज्वाइनिंग के बाद आपको पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं ज्वाइनिंग के बाद पैसे नहीं लेता हूँ, ज्वाइनिंग से पहले पैसे लेता हूँ। अगर आप लोग पहले डॉक्यूमेंट के साथ पेमेंट कर पाएंगे तभी जाके आपको जॉब मिलेगा, आप अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको जॉब नहीं दिला सकता हूँ होंडा कार कंपनी में, ठीक है ना। तो अब हम लोग परमानेंट कंपनी का देख लेते हैं कि किस किस कंपनी में आप फिलहाल परमानेंट भर्ती चल रही है, ठीक है। तो पहला जो कंपनी है हायर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो दोस्तों नोएडा में इसका प्लांट है, पुणे में प्लांट है। जो हायर कंपनी है एक्चुअली चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है। इसमें आईटी डिप्लोमा 10th 12th जो भी आपका क्वालिफिकेशन सभी के लिए भर्ती है। इसमें सैलरी आपको 21,500 रुपये पर मंथ मिल जाएगा दोस्तों, ये 8 घंटे 26 दिन का बता रहा हूँ, वो भी आईटी वालों का सैलरी बता रहा हूँ। जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनको दोस्तों यहाँ पे 24,500 रुपये हायर कंपनी में मिल जाएगा। जिनको करना होगा हायर कंपनी में, देखिए ज़्यादा सीट नहीं है और दीपावली से पहले आप लोगों का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सअप पर सेंड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों इस कंपनी में जाने के लिए 1500 रुपये चार्ज है, वो 1500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए 1500 रुपये दे के दोस्तों अगर अच्छी कंपनी में अच्छे सैलरी के साथ परमानेंट जॉब मिल जा रहा है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकता, और ये लगातार नहीं चलेगा, ये दीपावली पहले तक ही चलेगा। जिनको करना होगा वो मुझे फटाफट से जाकर मैसेज कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट जो मैं भेजने के लिए बोलाऊंगा वो फटाफट से भेज दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एयरपोर्ट पे भर्ती चल रही है, जैसे कि मैंने एयरपोर्ट के बारे में हर वीडियो में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिनको एयरपोर्ट पर जॉब चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, कितना है, 31 अक्टूबर तक टाइम है। 31 अक्टूबर तक जो करना चाहते हैं मैं आपको करा दूंगा। आप किसी भी एयरपोर्ट में करना चाहते हैं, पटना एयरपोर्ट में, लखनऊ में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, जयपुर में, इलाहाबाद में, इंदौर में, ठीक है ना, पुणे में, मुंबई में, कहीं पे भी करना चाहते हैं तो मैं आपको करा सकता हूँ। लेकिन इसमें कैसे होगा वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। थोड़ा कंडीशन है, वो कंडीशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप लोग को बाद में बोलने लगेंगे कि ये नहीं वो नहीं, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, पहले तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा मुझे, प्लस आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट में ओनली 380 रुपये रखा गया है, बाकी अदर किसी भी एयरपोर्ट में करना चाहते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको देना पड़ेगा 500 रुपये, ठीक है। इसके अलावा मैं आपका फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तो पूरा कंप्लीट करूँगा, ठीक है। जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, जब आपका फर्स्ट सैलरी आएगा, तब आपको 15,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन आपको मंजूर है तभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, जिनको मंजूर नहीं है वो मैसेज वगैरह मत कीजिएगा। जो सच में जॉब करना चाहते हैं वही मैसेज कीजिएगा। इसमें सैलरी भी आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगा, ठीक है। ये सीडी से सैलरी रहेगा, पीएफ पीएसआई वगैरह सब कुछ कटा जाएगा, कैंडिंग आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। जिनको करना होगा वही मैसेज कीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अमलंग स्टील कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और नोटिफिकेशन का दोस्तों मैं पूरी डिटेल में जानूंगा दोस्तों कि इस कंपनी में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग अमलोंग स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके हैं, ठीक है। ये जो कंपनी है दोस्तों कनरा जमशेदपुर में, जो झारखंड स्टेट में पड़ता है। देखिए ये सब वैकेंसी का वीडियो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओनली KPSIT यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगा। अदर चैनल पर आपको ये सब जानकारी नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे जॉब टाइटल बता दिया गया, ठीक है, इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों के लिए भर्ती है। तो जो भी IT फिटर ट्रेड से किए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हैं, और जो डिप्लोमा वाले हैं, जो डिप्लोमा इंजीनियर वाले हैं, उनके लिए भर्ती निकाला गया है। लोकेशन तो यहाँ पे बताई दिए गए, कानरा जमशेदपुर झारखंड स्टेट में आपका रहने वाला है, जहाँ पे टाटा स्टील कंपनी है, टाटा मोटर्स कंपनी है, टाटा टिस्कॉन है, बहुत सारा वहाँ पे टाटा का कंपनी है, ठीक है ना। जॉब डिटेल्स यहाँ पे बता दिया है कि हम लोग स्टील इज हायरिंग बिलो पोजीशन फॉर कानरा जमशेदपुर झारखंड लोकेशन में आपका रहने वाला है। डेजिग्नेशन यहाँ पे बता दिया कि सीनियर इंजीनियर, जो इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर वालों के लिए भर्ती है, ठीक है। डिपार्टमेंट यहाँ पे बता दिया गया है, जो प्लेट प्लांट है उसके लिए लिया जा रहा है। साब डिपार्टमेंट जॉब का रहने वाला है वो इलेक्ट्रिकल का रहने वाला है। क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है वो ITA फॉर इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। एंड यहाँ पे बता दिया गया है डिप्लोमा BTech और EE वालों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाला गया, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका इसमें होना चाहिए तभी आपको इस कंपनी में परमानेंट जॉब मिलेगा। यहाँ पे 4 ईयर से लेकर आपको 8 ईयर तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिनके साथ कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस है वही केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए इन सब कंपनी में अगर जॉब करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि किसी भी कंपनी में जाइए, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, अपना स्किल बढ़ाइए, तभी जाके आपको जॉब मिलेगा। जब तक आप अपना स्किल नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलने। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बता दिया गया कि कैंडिडेट हु आर एक्सपीरियंस इन द स्टूडेंट ग्रेड
टेक्नोलॉजी प्लेट में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डेजिग्नेशन फिर से बता दिया गया कि सीनियर फिटर एंड फिटर वालों को लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट बता दिया गया है, जो फिटर वालों का रहने वाला है वो स्टील मेलेटिंग शॉप में आपका रहने वाला है। साफ डिपार्टमेंट जॉब का रहने वाला है वो मैकेनिकल का रहने वाला है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दी गई ITI और जो SSC वाले हैं उनके लिए रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस बता दिया गया आपका मिनिमम 6 साल से लेकर 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी बता दिया गया कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो जो भी दोस्तों फर्नेस वगैरह होता है उसमें आपका एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस में यहाँ पे डेजिग्नेशन बता दिया गया कि सीनियर इंजीनियर जो इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। ठीक है, डिपार्टमेंट स्टील जो मेलेटिंग शॉप में रहने वाला है, सब डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिकल का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन बता दिया गया है कि ITI फॉर इलेक्ट्रीशियन को लिया जा रहा है, डिप्लोमा BTEC वालों को लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका 4 से लेकर 8 साल का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी इसमें भी बता दिया गया, इंडक्शन फर्नेस का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सैलरी बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन मैंने आपको सैलरी पहले बता दिया, उतना ही सैलरी मिलेंगे। उसके बाद इंटरव्यू में डिपेंड करता है कि आपका कैसे इंटरव्यू जाता है, उसके बाद आपको इसमें जो है अच्छा सैलरी, उसके बाद आपका सैलरी तय किया जाएगा। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। ठीक है, इंटरव्यू डेट यहाँ पर बता दिया गया है, तो यहाँ पे इंटरव्यू डेट उन्हीं के पास जाएगा जिनका शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, पहले तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद दोस्तों आपके पास कॉल और मैसेज दोनों जाएगा, तो फॉर्म अप्लाई करने के टाइम आपका ईमेल ID और आपका जो भी फ़ोन नंबर है, जो भी चीज़ भरेंगे वो सारा कुछ सही सही भरिएगा, कुछ भी गलत आपको नहीं भरना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है कि इस जॉब के लिए दोस्तों कोई भी आपको चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल आपको फ्री जॉब दिया जाएगा। प्लस यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन जो बताया गया वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई का लिंक के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों पे, आपका कोई ग्रुप है तो, आपका कोई रिश्तेदार है तो, जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह है उनके पास शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अदर कंपनी में भी भर्ती चल रही, उन सब कंपनी में अगर करना हो तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय दोस्तों।